हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा. सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग बिग न्यूज के सेशन में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज अबाउट कवर सिस्टम. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, कवर सिस्टम हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये करंट कॉन्टेक्स्ट में है क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना आपके 2nd of June 2023 की, तो 2nd of June 2023 को उड़ीसा स्टेट के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे स्टेशन है, दैट इज कॉल्ड वहानंगा बाजार रेलवे स्टेशन. वहां पर आपकी दो ट्रेन कोलाइड होती है जिसके चलते तीसरी ट्रेन से स्ट्राइक कर जाता है एक और ट्रेन, एंड थ्री ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स के चलते समवॉट अराउंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा 275 लोगों की डेथ हो जाती है एंड 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं. एंड लोगों के दिमाग में ना एक ही चीज फिट बैठी हुई है सबके, हम हर आम आदमी बोल रहा है कि अगर कवर सिस्टम इंप्लीमेंट होता तीनों की तीनों ट्रेन्स में तो शायद ये एक्सीडेंट होता ही नहीं, इस एक्सीडेंट को इवेट किया जा सकता था. ठीक है, इसीलिए हम कवर सिस्टम को करने वाले हैं. बट बिफोर वी जंप टू द कवर सिस्टम, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं वाई एन न्यूज. तो वाई एन न्यूज वही अपने फिर से पहले ही डिस्कस कर लिया है एंड दैट इज अबाउट के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के वहानंगा बाजार रेलवे स्टेशन जो कि आपके खड़गपुर डिविजन में आता है, वहां पर एक्सीडेंट हुआ. आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी फ्रॉम हावड़ा टू चेन्नई एंड एक और आपकी एक्सप्रेस जा रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस फ्रॉम चेन्नई टू हावड़ा, तो उन दोनों में कोलाइड नहीं हुआ. लेकिन हाँ, आपकी जो ट्रेन थी ना कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई की तरफ जा रही थी, वो लूप लाइन पे खड़ी हुई थी. अब अपन समझेंगे लूप लाइन मेन लाइन क्या होती है, वो सारी चीज समझने वाले हैं. अपन समझेंगे एक्सीडेंट हुआ कैसे, वो भी अपन समझेंगे. तो जा रही थी जिसके चलते गुड ट्रेन जो कि स्टेशनरी थी, मतलब रुकी हुई थी, चल नहीं रही थी, उस लूप लाइन पे टकराई टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस. और कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराने के बाद आपके यशवंतपुर एक्सप्रेस से कोलाइड होती है एंड अराउंड 275 लोगों की डेथ हो जाती है और 1000 लोग इंजर्ड हो जाते हैं. नाउ वही कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट में यही डिस्कस हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट दी, जो अभी हम लिखना भूल गए, दैट इज अबाउट द इंडियन रेलवे के बारे में. इंडियन रेलवे को हम पहले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. इंडियन रेलवे को डिस्कस करेंगे, देन वी मूव टू दी रिसेंट बालासोर रेलवे एक्सीडेंट ट्रेजेडी जो हुई उसको डिस्कस करेंगे. एंड इसके साथ साथ ना हम ये भी देखेंगे प्लस इंडिया में जो भी अभी तक मेजर रेलवे, इंडियन रेलवे, एक्सीडेंट्स हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, है ना. और हम ये भी देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे एक्सीडेंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करके रखा हुआ है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो ये चीज, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो 2000 आपका 16-17 में एक मिशन लेके आई थी, दैट इज जीरो एक्सीडेंट मिशन बजट में लेके आई थी. देन उसके बाद एक और चीज आई, एक और बजट नेक्स्ट ईयर जब बजट आया ना 2017-2018 में, तो एक कोष, एक फंड, एक कॉर्पस भी क्रिएट किया गया था कि भैया कैसे हम ट्रेन्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रेन्स के जो एक्सीडेंट्स हैं उनको इवेट करें, वो भी डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव टू द कैग का रिपोर्ट. तो कैग की रिपोर्ट आई थी 2022 में अबाउट द डीरेलमेंट को लेकर. इसमें एक क्लियरली बोला गया था कि 75% ऑफ दी जो ट्रेन एक्सीडेंट्स है, कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स है, वो आपके आपके डीरेलमेंट की वजह से हुए, वो डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में हम लोग जंप करेंगे किस पे, कवर सिस्टम पर. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं, फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट दी आपका इंडियन रेलवे, ठीक है. इंडियन रेलवे, जस्ट गिव मी अ मिनट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडियन रेलवे जो थी वो है क्या, है ना. जब इंडियन रेलवे की बात करते हैं, तो इंडियन रेलवे क्या है, आपकी ऑटोनॉमस स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है. इट्स दी ऑटोनॉमस स्टेचुटरी बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी जो कि किसके अंडर आती है, इट कम अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. एंड करंट पे अगर हम बात करें, सो हु इज दी मिनिस्टर ऑफ रेलवे, दैट इज श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है. श्री अश्विनी वैष्णव इज द करंट
यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। अब उसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं इंडियन रेलवे को और फर्दर डिस्कस करें। सो देखा जाए इंडियन रेलवे जो है ना वो इज द फोर्थ लार्जेस्ट, इज द फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। सो तो टॉप थ्री कौन कौन सी है? द टॉप थ्री, फर्स्ट पोजिशन गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड पोजिशन गोज टू रशिया, एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड चाइना, ठीक है। सो दीज आर द थ्री नेशन जो कि आपके टॉप लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, टॉप थ्री। और फोर्थ पे कौन सी आती है? इंडियन रेलवे। फोर्थ गो प्लेस गोज टू द इंडियन रेलवे। वहीं अगर हम बात करें तो टोटल रूट लेंथ जो है, कुछ पॉइंट्स भी लिखते जाना, टोटल रूट लेंथ जो है वो कितना है? समवॉट अराउंड आपका 68,000 किलोमीटर, 68,000 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो टोटल रनिंग ट्रैक कितना है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने तो देखा है कि रूट लेंथ, अब रूट लेंथ तो क्या होती है कि भाई हमें खावड़ा से चेन्नई का देखना है तो क्या कितना कितना डिस्टेंस है, लेकिन भाई हावड़ा से चेन्नई का एक ही ट्रैक है क्या? नहीं, दो तीन ट्रैक्स है। तो ट्रैक्स कितने हैं, है ना? तो टोटल ट्रैक लेंथ कितनी है? ये तो ट्रूट हो गया, लेकिन टोटल ट्रैक की लेंथ कितनी है? सो इट्स अबाउट अराउंड 1,02,000 किलोमीटर, है ना? 1 लाख, यहाँ 68,000 है, यहाँ पर, यहाँ हम बोल सकते हैं डायरेक्टली 102, 102,000 किलोमीटर है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बस इतना ही हमें देखना है, बाकी हम फिर आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स दी आपका करंट कॉन्टेक्स्ट जो कि हुआ बालासोर रेलवे एक्सीडेंट। सबसे पहले हम बालासोर की बात करें ना, सो बालासोर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में। और उड़ीसा के देखा जाए तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का डिस्ट्रिक्ट है। किसका? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का ये डिस्ट्रिक्ट है। अब बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे स्टेशन आता है, उस रेलवे स्टेशन का नाम है बहानगा, बहानगा बाजार स्टेशन, है ना, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखा जाए बहानगा बाजार स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? खड़गपुर रेलवे डिवीजन, खड़गपुर रेलवे डिवीजन में आता है। अच्छा एक चीज और, मैं जस्ट आई फॉरगेट टू टेल यू कि अभी हम बात करें इंडियन रेलवे में करंटली देयर आर अराउंड आपके कितने जोन्स हैं? 18 जोन्स हैं, ऑपरेशनल जोन्स हैं, 18 ऑपरेशनल जोन्स, है ना, और प्लस वन नॉन ऑपरेशनल जोन है। मतलब 18 तो ऑपरेशन ऑपरेट हो रहे हैं, बाकी एक जोन है जो कि अभी ऑपरेट नहीं हो रहा लेकिन बन गया है, वन नॉन ऑपरेशनल जोन है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं, तो देखा जाए तो बहानगर बाजार स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? खड़गपुर रेलवे डिवीजन, जो कि आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है, ठीक है। एंड अब ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, इस एक्सीडेंट को अपन समझते हैं तभी इजीली आपको समझ में आएगा। तो ये पूरा मैप है, इस पर अपन समझेंगे। देखो होता क्या है, बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी वे में अपन समझेंगे एक्सीडेंट हुआ कैसे। देखना सबसे पहले तो हम बात करें तो लाइन समझो, लाइंस होती क्या है, ठीक है। सो एक आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ये रेलवे ट्रैक है, एक ये रेलवे ट्रैक है। अब एक रेलवे ट्रैक इस साइड जाएगा, है ना, ये रेलवे ट्रैक इस साइड जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है हर जगह आपने देखा होगा ना कि आप दो ट्रैक्स होते हैं, एक जाने के लिए होता है एक आने के लिए होता है, दो ट्रैक्स होते हैं। लेकिन जब आप स्टेशन के पास पहुंचते होगे, तो स्टेशन के पास पहुंचते होगे तो एक ऐसी लाइन चली जाती है और एक ऐसी लाइन चली जाती है ना, जो कि इसको हम इस ये तो हो गई मेन लाइन, इसको हम बोलते हैं क्या है, दिस इज व्हाट मेन लाइन, जहां पर वो आने जाने का, ये मेन लाइन है। लेकिन जो साइड से लाइन निकल जाती है ना, इसको हम बोलते हैं लूप लाइन, व्हाट? लूप लाइन। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्क लाइन, जहां पर आप जो आपकी ट्रेन होती है ना, आप ट्रेन को पार्क करते हो, पार्क लाइन। अब हुआ क्या, हुआ क्या, कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, है ना, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है। देखो तो ये मेन लाइन है और ये मेन लाइन है, ये दिख रहा है ना, सो दिस वन इज मेन लाइन जो कि इस साइड जा रही है, और ये मेन लाइन जो है वो आपकी इस साइड जा रही है। तो ये एक मेन लाइन है आपकी, सॉरी ये एक मेन लाइन है, ये आपकी एक मेन लाइन है, ये वाली एक मेन लाइन रही और एक एक मेन लाइन रही, और ये दो जो क्या है, दीज आर दी लूप लाइन, लूप लाइन्स है ना, स्टेशन के पास ही हुआ तो वहां पर लूप लाइन्स होगी, ये क्या है, लूप लाइन। तो इस लूप लाइन का तो कोई लेना देना है नहीं, इस लूप लाइन का कोई लेना देना नहीं है। यहां से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, और कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आपकी ट्रेन की स्पीड थी
दैट इज समवट अराउंड आपकी 80 माइल्स पर आवर, 80 माइल्स पर आवर की स्पीड पे था। हुआ क्या, इसको सामने दिखा कि यार यहां पर ना रेड सिग्नल है, तो रेड सिग्नल उसने क्या किया, आपके जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ना वो आपकी लूप लाइन पे आ गई। लेकिन ऑलरेडी लूप लाइन पे ना एक ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई थी, गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, इसको आसान भाषा में मालगाड़ी बोलते हैं, वो पार्क थी, खड़ी हुई थी, वो आई और इससे कोलाइड हो जाती है। और जैसी कोलाइड होती है ना, तो हुआ क्या कि इंजन, कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और स्टार्टिंग के दो तीन जो कोचेस है ना, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। और यहीं से उसी समय पर यहां से यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, और इसकी स्पीड थी समवट अराउंड 75 माइल्स पर आवर, 75 माइल्स पर आवर थी। तब ये निकलने ही वाली थी, बट यहां से जब निकल रही थी ना, तो ये वाली ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस की ट्रेन जो थी ना, उसके कुछ कोचेस इसके लास्ट के दो या तीन कोचेस से टकरा जाती है, कोलाइड कर जाती है। सो तीन ट्रेन्स के बीच में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाता है। सो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है और यहाँ पर इस स्टेशनरी गुड्स ट्रेन से टकराती है, जिसके चलते ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोचेस आपके यशवंतपुर एक्सप्रेस के पीछे के कोचेस से क्या हो जाती है, टकरा जाती है। और ये चल रही थी 75 माइल्स पर आवर से। सो ये कोलाइड हुआ और इसमें समवॉट अराउंड आपके 275 इनिशियली, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा है, बाकी डेटा ऊपर नीचे होता रहता है ना। अभी शो हो रहा है कि बहुत सारे अभी जो इंजर्ड है उनकी भी डेथ होगी है ना। सो अभी तो क्या हुआ कि 275 लोगों की डेथ हुई एंड समवट अराउंड 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए, इंजर्ड हुए, ठीक है। ये चीज हुई। अब हम आते हैं कि इंडिया में, अच्छा एक चीज और दैट इज एक और चीज एड ऑन कर लेना, कि अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मतलब जो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हुई, उस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि जो एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट जो हुआ, एक्सीडेंट का रीजन क्या है, वॉज द रीजन बिहाइंड द एक्सीडेंट, दैट इज आपका सिग्नलिंग फेलियर या इंटरफेरेंस बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है, सिग्नलिंग इंटरफेरेंस, ये सिग्नलिंग इंटरफेरेंस की वजह से हुआ या सिग्नलिंग फेलियर की वजह से हुआ। कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन लाइन दिखी, उसने यहाँ पार्क करा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, तो अगर ये चीज नहीं होती तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। चलिए अब अभी हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो अभी जो एक्सीडेंट हुआ ना, ये एक्सीडेंट हमें याद दिलाता है आपकी 1995 में एक एक्सीडेंट हुआ था यूपी में फिरोजाबाद में, दैट इज पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, आपका 1995 में हुआ था ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट भी तीन ट्रेन के बीच में कोलाइड होता है एंड समवट अराउंड 305 लोगों की डेथ हो जाती है, 305 लोगों की डेथ हो जाती है ना। ये चीज हुई। देन उसके बाद सेकंड जो मेजर एक्सीडेंट होता है, दैट इज अबाउट ब्रह्मपुत्रा मेल, जिसमें 285 लोगों की डेथ होती है, 285 लोगों की डेथ होती है इन द ईयर 1999। देन और जो अभी देखा जाए आपकी बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ ना, बहानगर रेलवे स्टेशन पर ये एक्सीडेंट जो हो रहा है ना, ये एक्सीडेंट देखा जाए अभी तक का थर्ड हाईएस्ट कैजुअलिटी वाला रेलवे एक्सीडेंट है, आफ्टर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा मेल है ना। उसके बाद थर्ड देखा जाए तो दैट इज अबाउट जम्मू तवी, आपका सियालदा एक्सप्रेस, आपकी 212 लोगों की डेथ हुई 1998 में। देन आपकी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, आपकी 148 लोगों की डेथ हो जाती है 2010 में। देन आपका आपका धनुषकोड़ी, जो कि सदन आपकी धनुषकोड़ी मतलब तमिलनाडु है ना, वहां पर ट्रेन है, एक्सीडेंट होता है, 126 लोगों की डेथ होती है। देन इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, 152 लोगों की डेथ होती है 2016 में। एंड देयर इज अनदर वन, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जिसमें 140 लोगों की डेथ होती है इन द ईयर 2002। तो ये इंडिया के मेजर रेलवे एक्सीडेंट्स हैं। और ये एक्सीडेंट जो है, ये देखा जाए ये आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। एंड अभी जो बालासोर वाला हुआ वो आप थर्ड नंबर पे लिखना, फर्स्ट वन इज पुरुषोत्तम, सेकंड वन इज ब्रह्मपुत्रा मेल कैजुअलिटी के टर्म्स में, और थर्ड वन आपका ये बालासोर वाला आता है, ठीक है, बहानगर रेलवे स्टेशन पे जो होता है। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो ट्रेन एक्सीडेंट्स है, ये ट्रेन एक्सीडेंट्स हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, साल में एक दो बार सुनने में आ जाता है, लेकिन सरकार कर क्या रही है, सरकार क्या इन ट्रेन एक्सीडेंट्स को इवेट कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है? अगर कदम उठा रही है तो कौन से कदम उठाए, अगर उठाए हैं तो वो कदम है क्या, और इवन दो वो स्टेप्स लिए गए, वो अगर काम किया भी जा रहा है तो उसका क्या प्रोग्रेस है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे एक्सीडेंट्स को ना दो पार्ट में क्लासिफाई करके रखा हुआ है। एक होता है आपका कॉन्सिक्वेंशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स। अब कॉन्सिक्वेंशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स वो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं
जिसमें या तो ह्यूमन लॉस हो, ह्यूमन ह्यूमन लॉस हो, या फिर इंजरी हो, है ना, या फिर आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो, या फिर आपका ट्रैफिक इंटरफेरेंस हो। ठीक है, अगर ये चार चीजें होती हैं, अगर ट्रेन एक्सीडेंट्स में, रेलवे एक्सीडेंट्स में अगर ये चार चीजें होती हैं, या तो ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा हो, या कोई इंजर्ड हो रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, या फिर ट्रैफिक इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई भी एक चीज हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, है ना। अब एक और होता है, एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स। अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स कौन से एक्सीडेंट्स है? एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स अदर देन कॉन्सिक्वेशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स आर व्हाट आर दी अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स। इट मींस कि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है जो कि ये चार चीजें नहीं हो रही है उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स कहलाएगा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है स्पेसिफिकली इन दी मोदी रिजीम, दैट इज इन दी ईयर 2016, तो 2016 2017 का बजट अनाउंस होता है। ठीक है, 2016 2017 का बजट अनाउंस होता है, और उस बजट में रेलवे मिनिस्ट्री बोलती है कि हम लोग एक मिशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो एक्सीडेंट मिशन ऑफ रेलवे, जीरो एक्सीडेंट मिशन ऑफ रेलवे। अब इस मिशन में दो सब मिशन है, इस मिशन के ना दो पार्ट है, दो पार्ट है, दो आपके सब मिशन है। दो सब मिशन है, ठीक है। पहला जो सब मिशन है, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग जो होती है ना, जो आपका गेट लगता है ऐसे रोकने के लिए, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर ट्रेन निकलती है, उसके बाद वो गेट खोलता है, उसके बाद आप जाते हो, तो आपने देखा होगा कि अब ना वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करी थी इस मिशन के अंडर कि हम जितनी भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है ना, वो सारी की सारी क्रॉसिंग्स 2019 तक क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, 2019 तक हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे अनमैन्ड। अभी भी ऐसा नहीं है रेलवे क्रॉसिंग्स नहीं है, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग्स देखा होगा कोई ना कोई पर्सन बैठा होता है इंडियन रेलवे का, जो कि बंद करता है खोलता है, बंद करता है खोलता है, लेकिन जो अनमैन्ड जहां पर होती नहीं थी, कुछ नहीं होता था, उनको क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया 2019 तक। दूसरा जो मिशन था, दैट इज अबाउट ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। अब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है, ये बेसिकली इस मिशन में, इस सबमिशन में ये चीज डिसाइड की गई थी कि हम लोग ना खुद का इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करेंगे। ठीक है, हम लोग इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। ठीक है, ये रहा, हम लोग डेवलप करेंगे ये चीज से। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ईयर आता है, नेक्स्ट ईयर दैट इज आपका बजट, बजट 2017 2018, है ना। और बजट 2017 2018 में क्या होता है? एक फंड बनाया जाता है, एक कॉर्पस बनाया जाता है ना। और वो कॉर्पस का अमाउंट कितना होता है? दैट इज आपका 1 लाख करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, और वो कॉर्पस का नाम क्या रखा जाता है? राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष। कोष का मतलब होता है कॉर्पस, फंड, फंड बनाना। ठीक है, तो उस फंड को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष। अब ये अगर हम बात करें, ये जो है, ये अनाउंस हुआ था आपका, ये अनाउंस जो हुआ था 2017 2018 के बजट में, ये जो पैसा कॉर्पस बनाया गया, ये पैसा खर्च किया जाएगा आपका 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में जो है ना, ये पैसे को खर्च किया जाएगा। लेकिन खर्च किस चीज में, है ना, खर्च किस चीज में? तो दो चीजें थी, दो चीजें थी। पहला था सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ को लेकर, सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ को लेकर,
तो अब सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ जो है उनको प्रॉपर तरीके से सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ, क्योंकि अगर कोई मान के चलो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट अकर हो जाता है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स देना, प्रॉपर तरीके से उन्हें रिलीफ, आपका रिलीफ को लेकर, आपके रिहैबिलिटेशन को लेकर और आपके रेस्क्यू को लेकर, ठीक है? तो यहां पर लिख लेना, रिलीफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है? रिलीफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन को लेकर जितने भी स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ये चीज थी, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो था कि जो रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को एनुअल बेसिस पर फंड एलोकेट करना। रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को क्या कर रहे हैं, एनुअल बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर आपका फंड एलोकेट करना। अब क्यों फंड देना है इनको, क्योंकि यही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना प्रॉपर तरीके से आपके ड्राइवर्स को, लोको पायलट जो होते हैं जिनको हम ट्रेन के ड्राइवर्स बोलते हैं, उनको प्रॉपर तरीके ट्रेनिंग देना, गार्ड्स को ट्रेनिंग देना। एंड इवन रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर सकती है, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकती है, जिससे हमारा इंडियन रेलवे और ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योर हो सके, ठीक है? अब हम आते हैं कैकी रिपोर्ट पर। तो हुआ क्या कि अगर हम बात करें ना तो यस, तो कैकी रिपोर्ट आती है आपकी 2022 में, है ना, 2022 में, जो हमारे कैग है, कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल। और या हम सिंपल सी बात करें, कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल जो है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड उसके साथ साथ कैग जो होता है वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुनीम है, या मुनीम का मतलब सीए है। वो पूरा फाइनेंसिस देखता है, एवरीथिंग देखता है कि भाई कहाँ पैसा खर्च हुआ, कहाँ पैसा खर्च नहीं हुआ। सो ये कैग 2022 की रिपोर्ट आई थी, एंड कैग 2022 की रिपोर्ट में रिवील हुआ कि 75% ऑफ दी कॉन्सिक्वेंशनल, याद करो क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना इंडियन रेलवे एक्सीडेंट्स का, एक था कॉन्सिक्वेंशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स और एक था आपका अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स। तो जो कॉन्सिक्वेंशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स है ना उसका 75% ऑफ दी कॉन्सिक्वेंशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स किसकी वजह से हो रहा है, आपका डीरेलमेंट की वजह से। सो सिंपल सी बात यहां पर रिपोर्ट में लिखी गई कि बिकॉज ऑफ दी डीरेलमेंट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, 75% ऑफ आपका कॉन्सिक्वेंशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स, ठीक है? 75% ऑफ द ट्रेन कॉन्सिक्वेंशनल एक्सीडेंट, ये चीज, 75% ऑफ द ट्रेन कॉन्सिक्वेंशनल एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं आपके, आपका डीरेलमेंट की वजह से होता है। सो टोटल जो आपके ट्रेन एक्सीडेंट्स है ना, कॉन्सिक्वेंशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स वो कितने हैं आपके, समवट अराउंड 217 है। और 217 में से, ये टोटल 217 में से आपके 163 जो है वो आपके क्या है, 163 जो है दैट इज आपका डीरेलमेंट की वजह से हुआ है, डीरेलमेंट की वजह से हुआ है, ठीक है? जो कि आपका 75% कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके टोटल कॉन्सिक्वेंशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स का। ये लिखा हुआ है कि बिटवीन 2017 2018। अच्छा, ये रिपोर्ट भी जो ली गई ना, ये डेटा जो ले गया, वो डेटा जो लिया गया वो 2017 2018 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर आपके 2021 2022 फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर तक लिया गया है, ठीक है? अब हम जंप करते हैं सीधा सीधा आपके कवच सिस्टम पर, है ना, जो बेसिकली पूरा बेसिक आइडिया है कवच सिस्टम, मतलब इसकी वजह से हमें डिस्कस करना भी पड़ रहा है कवच सिस्टम के चक्कर में, ठीक है? सो कवच सिस्टम को अपन डिस्कस करते हैं। सो कवच सिस्टम है क्या, सबसे पहले तो ये समझो, देखो कवच का मतलब होता है आर्मर, तो अगर मेरे पास आर्मर होगा तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना, तो कवच का मतलब ये है। तो कवच को अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कवच करता क्या है। देखो हम जब कवच की बात करते हैं ना, तो कवच इज अ प्रोटेक्शन, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? कवच प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब प्रोटेक्शन कैसे, देखना हुआ क्या, अगर हम कवच की बात करें तो ये मेन लाइन है ना, और ये एक मेन लाइन है, ये आ रही है मेन लाइन, ये एक मेन लाइन आ रही है, और यहां से एक ट्रेन, ट्रेन ये रही ट्रेन वन और ये रही ट्रेन टू, ठीक है, ट्रेन टू। और ये क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, अगर आपस के आमने सामने आ रहे हैं तो ये कोलाइड नहीं होगी, उनको ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम लग जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा,
ये चीज। अब जैसे कि मान के चलो ये ट्रेन इधर आ रही है, ये आ रही है, तो बेसिकली जब ट्रेन आएगी ना, तो इसको समवॉट अप्रोक्स कितना 350 मीटर पहले ही आपको रोक देगी, 350 मीटर पहले ही आपको रोक देगी। ये कब सिस्टम काम करती है, ऑटोमेटिक आपके एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, कि अगर लगेगा उसको थोड़ा सा भी सेंस होता है कि भाई सामने से कोई ट्रेन आ रही है, तो कोलिजन से बता देगा। एंड इवन पहले तो वो ड्राइवर ड्राइवर्स को सिग्नल बोलेगा, ड्राइवर को बोलेगा भाई सिग्नल आपका ये रहा, है ना। और अगर मान के चलो रेड सिग्नल है, लेकिन ड्राइवर ने, ये लोको पायलट ने नोटिस नहीं किया और वो निकाल लिया ट्रेन वहां से, उसने नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया रेड सिग्नल है, उसने निकाल लिया, देन ये सेंस कर लेगा कौन, आपका कवर सिस्टम, और कवर सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक देगा, ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक देगा, है ना। अब अगर हम बात करें तो ये जो कवर सिस्टम है, कवर सिस्टम जो है, ये कवर सिस्टम जो है ना, इट्स द इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियसली बिल्ट है। अभी इंडिजीनियस है, खुद बनाया है, इंडियन खुद बनाया है, आपके आपके एक अपन समझेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे किसने बनाया, लेकिन खुद इंडिया ने बनाया है, ये इंडियंस नहीं बनाया है, इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ कोलाबरेशन होकर बनाया है, एंड इंडिजीनियसली बिल्ट है। और सिंपल सी बात है, कवर सिस्टम जो है ना, वो सारी ट्रेन्स में इंप्लीमेंट होना चाहिए, तब जाकर हम कोलिजन रोक पाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन में कवर सिस्टम है और दूसरी ट्रेन में नहीं है, तो फिर नहीं करेगा वर्क, आपको दोनों ट्रेन्स में होना चाहिए, तब जाके वर्क करेगा। अब जब हम कवर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो कवर सिस्टम अगर आपको 1 किलोमीटर के ट्रैक पर, 1 किलोमीटर के अगर आपको ट्रैक पर कवर सिस्टम लगाना है, तो समवॉट इट कॉस्ट इज समवॉट अराउंड व्हाट 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज लगते हैं, 50 लाख रुपए लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने यह पहली बार सिस्टम बनाया है, नहीं, आपके जो वेस्टर्न नेशंस हैं, आपके जो यूएसए है, जर्मनी है, इनके पास ऑलरेडी सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम इतना महंगा है कि जो फॉरेन सिस्टम है जर्मनी वाला और आपके यूएस वाला, वो 1 किलोमीटर के ट्रैक पर समवॉट अराउंड कितना 2 करोड़ रुपीज लगता है, 2 करोड़ रुपए लगता है। तो देखा जाए तो इंडिजीनियस भी है और दूसरा हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसके प्रॉपर तरीके से ट्रायल हो चुके हैं। इवन जो हमारे करंट के हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने ये खुद आपका ट्रायल किया था, उस ट्रायल में पता लगा कि हाँ भैया कवर सिस्टम वर्क करता है, कवर सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। अब एक और चीज कवर सिस्टम के बारे में, कि कवर सिस्टम जो है ना, कवर सिस्टम बेसिकली आपके सेफ्टी, एक सेफ्टी लेवल होता है ना, ऑलरेडी मार्क करके रखते हैं सेफ्टी लेवल, दैट इज आपका सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का है। किसका है? सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का है। अब ना हमने कवर सिस्टम को समझा, अब हम थोड़े से कवर सिस्टम के फैक्ट्स को समझेंगे, अब हम फैक्ट्स को लिखेंगे, ठीक है, फैक्ट्स को समझते हैं। देखो अब कवर सिस्टम है क्या, तो वही लिखा हुआ है, किसने बनाया, इंडिजिनियसली डेवलप किसने किया, आपके RDSO ने। अब ये RDSO कौन है, RDSO स्टैंड फॉर रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये डेवलप करता है, रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसे डेवलप किया, और बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेट किया, ऐसा नहीं अकेले बना लिया, इंडियन इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेट किया। और ये सिस्टम है कौन सा, वैसे देखा जाए इट्स दी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं ना, सो ऑटोमेटिक ट्रेन आपका ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है। अब अगर हम सिंपल सी बात करें, इसने एक चीज अडॉप्ट भी कर रखी है, इन्होंने अडॉप्ट किया है आपका क्या, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, है ना। तो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी इसमें इंक्लूडेड है। अब ट्रैफिक सिस्टम कोलिजन अवॉइडेंस क्या होता है, मान के चलो कोई ट्रैफिक है और ट्रैफिक के चलते कोई दो ट्रेन सामने सामने आ रही है, तो उनको कोलिजन होने से रोक लेगा, ठीक है, कोलिजन होने से रोक लेगा। आगे भी लिखा है, इट एक्टिवेट दी ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफ ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल दी ट्रेन एज पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन। तो अगर स्पीड रिस्ट्रिक्शन के चलते, स्पीड ज्यादा है, ट्रेन ड्राइवर नहीं रोक पा रहे, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पा रहे स्पीड पर, जी सिस्टम जो है ना, कवर सिस्टम, ये ऑटोमेटिक तरीके से आपके ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा, है ना। और ये प्रिवेंट करता है कोलिजन बिटवीन दी टू लोकोमोटिव इक्विपमेंट, जो कि अगर कवर्स में है, तो दोनों आपके ट्रेन्स में होना जरूरी है, अगर दोनों ट्रेन्स में कवर सिस्टम नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारा सदर्न सेंट्रल रेलवे जोन है ना, सदर्न सेंट्रल रेलवे जोन जो आपका नीचे आता है,
उसने इंप्लीमेंट कर लिया है आपका कवच टी ए सी एस सिस्टम, ठीक है, कवच टी ए सी एस सिस्टम मतलब ट्रैफिक, आपका ट्रैफिक ऑटोमेटिक कोलिजन सिस्टम को, है ना, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को, ट्रैफिक अवॉइडेंस कोलिजन सिस्टम को ऑटोमेटिकली उसने क्या कर लिया, उसने अडॉप्ट कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया है। और वही बात, जो कवर सिस्टम है ये आपका स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड के साथ। बस अब आपको इसमें एक चीज और एड ऑन करनी है, कवर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एड ऑन कर लेना। अब फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, फंक्शनैलिटी का मतलब यही लिखना पड़ेगा कि भाई ट्रेन को कैसे प्रिवेंट करता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम कब एक्टिवेट करता है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली एंटी ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया, नहीं, ये बेसिकली एक्टिवेट करता है तब जब ड्राइवर फेल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज दी बिग न्यूज सेशन ऑफ कवर सिस्टम, जिसमें हमने इंडियन रेलवे के बारे में ही समझा, इंडियन रेलवे एक्सीडेंट के क्लासिफिकेशन को भी समझा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड सम ट्रेंडिंग टॉपिक। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।